सो गाइस, आज की इस फोटो एडिटिंग काफ़ी इजी होने वाली है। आप यहां देख सकते हैं, इस बैकग्राउंड को आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि सिंपल है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। और इसमें आपको सिंपली आपको मॉडल को ऐड करना है। सिंपली आपको ऐड ही नहीं करना है गाइस, इसमें आपको थोड़ा सा और प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। 3-4 स्टेप फॉलो करना है इस वीडियो को देखकर, ताकि आप अपना फोटो एडिट इस तरह कर सकें। तो आप यहां देख सकते हैं, सिर्फ पीएनजी को ऐड किया हूं बैकग्राउंड में इस फोटो में, और राइट वाले में देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा प्रोसेस किया हूं, तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। एंड गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे डेली वीडियो लाते रहता हूं। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और आपके फोन में नोटिफिकेशन नहीं आती गाइस, तो हमारे चैनल में विजिट कर लेना। सर्च करके यूट्यूब पे दीपक क्रिएशन सर्च करना है आपको, सिंपली विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो लाते रहता हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, तो मिस ना करें गाइस। तो इसलिए चैनल पे विजिट कर लेना, क्योंकि यूट्यूब में तो प्रॉब्लम चल रही है, किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो किसी के पास वीडियो ही नहीं जाती है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो गाइस फोटो एडिटिंग में, तो चैनल पे विजिट कर लिया करो। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप पे। तो मैं यहाँ से ओपन कर लिया हूँ। मैंने आपको यहाँ ऐड फोटो का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उसे प्रेस करके सिंपली अपना मॉडल को ऐड कर लेना, मतलब आप में अपना फोटो को ऐड कर लेना। देन इस इरेजर आइकन को प्रेस करके सिंपली इस बैकग्राउंड को इरेज कर लेना। बैकग्राउंड इरेज करने के बाद आपको इस तरह सेट कर लेनी है, मतलब मॉडल को यहाँ पर सेट कर दूंगा। सेट करने के बाद आपको इरेजर को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इरेज कर लेना है, ताकि ऐसा लगे कि ये पत्थर के पीछे है। सो ये ठीक है गाइस। देन आपको यहाँ एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उसे प्रेस करना है। तो इसमें हम क्लैरिटी पे आके सिंपली से थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और इसकी टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। सो ये हो गया। देन शैडोज पे आके इसे थोड़ा सा इंक्रीज देख लेना, आपको इंक्रीज करना होगा तो इंक्रीज कर लेना, तो मैं इसे फिलहाल डिक्रीज कर दूँगा। सो अब इसे कर देंगे डन। सो गाइस, आपको अगेन ऐड फोटो पे आ जाना है और इस पीएनजी को ऐड कर लेना है। देन इस ब्लेंड वाली ऑप्शन पे आके इसे स्क्रीन मोड कर देना है। सो इसे मैं इस तरह सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद ऑपेसिटी पे आके इसे हम 80 या 85 के आसपास रख लेंगे। सो इसे हम इस तरह सेट कर लेंगे। सो इतना प्रोसेस कर लेने के बाद गाइस, सिंपली अब आपको जाना है ड्रॉ वाली ऑप्शन में और इस आइकन को प्रेस करके सिंपली सेव इमेज को प्रेस करेंगे। सो ये हमारी हो जाएगी फोटो सेव। तो अब हम पिक्सआर्ट ऐप को क्लोज करके ओपन करेंगे लाइटरूम ऐप को। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने फोटो को ऐड कर लेता हूँ, जो पिक्सआर्ट ऐप से सेव किए थे। तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर आ जाना है और इसमें एक्सपोजर को एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। अगर आपको लो लाइट पसंद है तो लो लाइट कर लेना, और अगर आपको ब्राइट पसंद है तो इसे इंक्रीज कर लेना, और शैडोज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। देन हाईलाइट को कर देंगे कम, और ब्लैक्स को देख लेते हैं तो इसे हम इंक्रीज कर देंगे। सो इतना कर लेने के बाद आपको इस ऑप्शन पर आ जाना है और मिक्स टाइप को ओपन करना है। तो इसमें मैं सैचुरेशन को देख लेता हूँ, तो फिलहाल इसमें थोड़ा सा इंक्रीज मतलब डिक्रीज करूँगा, और लुमिनस को देख लेते हैं तो इसे भी हम कर लेंगे डिक्रीज। सो आप आ जाते हैं ऑरेंज कलर में, तो आप इसमें अपने हिसाब से देख लेना। फिलहाल मैं सैचुरेशन को इंक्रीज करके लुमिनस को इंक्रीज करूँगा थोड़ा सा। सो अब आपको येलो कलर पर भी आके सेम प्रोसेस ही करना है, मतलब इसे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, और सेम प्रोसेस आपको ग्रीन कलर पर भी ऐसे ही करनी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा। सो अब आ जाएंगे स्काई ब्लू कलर में, तो इसमें सैचुरेशन को इंक्रीज करके व्यू को कर देंगे कम, एंड लुमिनस को कर देंगे इंक्रीज। और अब आ जाते हैं ब्लू कलर में, तो इसमें मैं सैचुरेशन को इंक्रीज कर दूंगा, और व्यू को आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको स्काई ब्लू कलर चाहिए तो आप माइनस कर सकते हैं, जो कि मैं क्यों हूँ। देन लुमिनस को इंक्रीज कर दूंगा। सो इसे हम डन कर देंगे, और इसके बाद आपको सिंपली इस ऑप्शन को प्रेस करके क्लैरिटी को इंक्रीज करना है। और अगर आप साइड साइड पर ब्लैक चाहते हो गाइस, तो सिंपली आपको वेवलेंथ को माइनस कर देना है। सो ये परफेक्ट है गाइस। सो अब आपको उसके नीचे वाली ऑप्शन को प्रेस करके शार्पनिंग एंड नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। सो गाइस, मेरी फोटो रेडी हो चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, एंड इसे आपको इस तरह सेव कर लेनी है। सो आई होप गाइस आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। सो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।